अब अगर इसको साइंस में समझाओ तो ये समझ लीजिए कि अपने अंदर एक स्वयं चालित संस्था है जो हमारे हृदय को चलाती है, जो हमारा पूरा अन्न है उसको पाचन करती है, माने हमें डाइजेस्ट कराती है, जो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने अंदर होते रहती शरीर में, हमारी श्वसन क्रिया है, जो श्वास लेने की क्रिया है उसको जो कराती रहती है, उसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ये ऑटो माने स्वयं चालित जो चीज़ है वो क्या है, ये स्वयं कौन है, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। कोई भी डॉक्टर डॉक्टर तो ये कहेगा कि हम इसको स्वयं चालित कहते हैं, आप कह देने से नहीं, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं उनके पास। ये जो स्वयं चालित संस्था है इसमें दो तरह की संस्था होती है, उसको एक को तो पैरासिम्पथैटिक कहते हैं और एक को सिंपथैटिक कहते हैं। यही जो ऊपर से जो जहाँ तक दिखाई हुई है बीच की जो चीज़ है, ये अपने रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म स्वरूप में रह करके और पैरासिम्पथैटिक को चलाती है, और ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये लेफ्ट एंड राइट सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। पर ये मैंने आपको सूक्ष्म नाड़ियां बताई, ये बाहर में ग्रोस में ये नाड़ियां हैं। अब मुझे तो आश्चर्य है कि एवन जैसे आदमी ने इतनी बड़ी किताब रखी हुई है कुंडलिनी पर, और वो क्या कहता है कि पेट में होती है कुंडलिनी। अब जिन्होंने अपने आँख से देखी है वो बता सकते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि में होती है। अब इस तरह की उसने अगर बात लिख दी और इतनी बड़ी किताब लिख दी तो क्या उससे अब कौन झगड़ा करने जाए, वो तो मर के काफी दिन हो गए। अभी जिंदा भी ऐसे बैठे हुए हैं कि वो कुंडलिनी के बारे में 1760 बातें बताते रहे, लेकिन वैसी बात है नहीं। असल में जो है सो है, असत्य कोई किसी के लिख देने से क्या होता है, कोई चाहे हजारों किताबें लिख सकता है, असत्य बहुत कुछ लिखा गया है। आप जान लीजिए जो कुछ लिखा है सब कुरान नहीं है, सब पुराण भी नहीं है और बाइबल गीता भी नहीं, जो कुछ लिखा गया है में बहुत कुछ झूठ है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी लोगों ने झूठ घुसेड़ने की कोशिश की, क्योंकि झूठ जो होता है वो हमेशा आक्रमण करता है, आप जानते हैं सत्य की। और इस वजह से जो अपनी आंख से देखो, जो आप में घटित हो, जो घटना हो उसे जानो। पढ़ लिख करके आप कुछ अभी कहीं से कुछ पढ़ के आए, ऐसे तो कुंडलिनी नहीं है, तो जब है ये नहीं तो हम कैसे करें भाई। आप अगर कहीं से पढ़ के आए कि गुलाब के फूल का रंग नीला होता है और फिर कहा कि साहब ये तो गुलाब का फूल ही नहीं क्योंकि इसका रंग नीला नहीं, तो ऐसे लोगों से क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को कौन सी बात समझाई जाए, ये बताइए आप कि उन्होंने कहा है। आप उनको जानते नहीं, फिर आपने किताब खरीदी कितने 2 रुपए में, फिर वो मैंने पढ़ी उसमें ये लिखा है माताजी, फिर आप ऐसे क्यों करें। अब मैं क्या आपसे कहूँ कि वो झूठा आदमी है, कहूँ तो आप मुझे डंडा लेके मारने दौड़ेंगे, क्योंकि आप फौरन वकील बन जाते। आपने किताब क्या पढ़ ली, आपके पास एक किताब क्या आ गई, आप उस किताब वाले के वकील बन जाते और मेरी जान को लग जाते कि माँ ऐसा तो है नहीं, आप यही बोल रही, यानी मैं झूठी हो जाती हूँ वो सच्चा हो जाता है, क्योंकि आपने 2 रुपए लेकर उसको खरीद लिया या किसी गुरु को आपने बना लिया। अब वो गुरु महाराज ने जो भी कहा वो आपके लिए सत्य हो गया, भाई उसने आपको कुछ किया, उसने आपको पार किया, उसने आपके साथ क्या किया, कुछ नहीं, वो तो 7 मंजिल पे बैठते हैं, मुझे नाम दे दिया। अरे मैंने कहा भाई जिसने नाम दिया उसने तुम्हारा कुछ देखा नहीं, नहीं मेरे तो हार्ट अटैक आ रहा है माता जी इसलिए मैं आपके पास आया। मैंने कहा उसी को क्यों नहीं कहते तुम, अब मेरे पास काय को आए, वो तुमको देखता भी नहीं कि तुम्हारा हार्ट अटैक आ रहा है, कि तुमको कोई बीमारी है, कि कोई तुमको तकलीफ है, ऐसे गुरु को लेकर उसका क्या आचार डालने का है। और ऐसे अनेक गुरु हैं जिनके शिष्यों को हार्ट अटैक आ रहे, अरे अगर गुरु रख के उससे हार्ट अटैक आते, आपकी तंदुरुस्ती चौपटाती है, आपका दिमाग खराब होता है, आपकी बीबी पगलाती है, घर में सब चौपट है, यहाँ कोई लक्ष्मी जी का स्थान ठीक नहीं, तो ऐसे गुरु का क्या आचार डालने का, आप उसके पीछे में क्यों लगे हुए हो, उसे क्या दिया। हजारों आदमी दौड़ रहे इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं, अरे सब गधे हैं तो आप भी गधे होंगे, ये भी एक सोचने की बात होती है, मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम क्यों इसे गुरु मान रहे हैं। दूसरा मानता है माने, हम क्यों माने, हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है और हमने अपने स्वतंत्रता में नहीं जाना है। बहुत से ऐसे गुरु हैं जैसे वो ट्रांस वाले महाराज हैं, वो आपके एक नाम दे देते आप भूत में चले गए, आपको लगता है आप बड़े भारी आदमी हो गए, किसी भूत का नाम दे दिया आपको, आप भूत का नाम लेने से हो जाते हैं वो तो ठीक है, बहुत बड़े आदमी हो गए। शराब आप पियो, औरतें आप रखो, खाना जो खाओ जैसे भी सताओ, दूसरों को पीड़ित करो, एग्रेशन करो, कुछ नहीं, बस आप तो साधु बाबा हो गए। क्यों, फलाने गुरु उसने 4 औरतें रखी मैंने 10 रखी तो क्या हो गया, उसका धर्म से, मनुष्य से, उसके ह्यूमन एलिमेंट से कोई भी संबंध गुरु का नहीं रहता है। ये अजीब तमाशा, और आदमी इसको मानता है, उसको ऐसे गुरु बड़े अच्छे लगते। हमारे यहाँ एक वो रजनीश है, हमारे यहाँ एक रजनीश नाम का आदमी है, तुम तो सुने हो उसका नाम,
वो अंग्रेज लोग उसके चरणों में लौट रहे। अरे मैंने कहा तुम लोग को काहे को चाहिए, तुमने तो सब कर दिया तमाशा, तुम उसके गुरु बन टालो, तुम उससे क्या सीखोगे ये सेक्स की बातें, तुम उससे क्या सीखने वाले हो, तुम्हारे से वो सीखे ऐसे तुम लोग होशियार हो, तुम क्या उसके गुरु पना लगाए हो। लेकिन इसलिए कि कॉन्शियंस कीपर है, क्योंकि ये तो अभी राक्षस नहीं हुए ना, तो ये सोचते हैं कि हम इतने गंदे काम कर रहे हैं, क्राइस्ट ने तो ये काम नहीं किया और हम लोग ये सब धंधे कर रहे हैं लिबरेशन के नाम पर, तो कोई ना कोई गुरु बना लो तो उसका उसका सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, वो गुरु बैठा रहेगा नर्क में और ये भी उसके पीछे चले जाए। ऐसे लोगों गुरु ऐसे अच्छे लगते हैं लोगों को कि जो कहे हाँ भाई तू बड़े अच्छा आदमी, हाँ 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 तुम्हारे से बड़ा कोई नहीं, बस तुम्हारी पर्स इधर रख दो, तुम्हारी बीवी तुमसे समझती नहीं तो उसको भी इधर भेज दो, मैं सब तुम्हारे काम कर दूँ। ऐसे भी गुरु लोग हैं दुनिया में, वो कहते हैं अपना जो कुछ भी पैसा धन संपत्ति है सब आश्रम को दे दो और आप बिल्कुल वहां पर पहुंच जाओ, ऐसे दूसरों के पैसे पे नजर रखने वाले गुरु कैसे हो सकते। पहली चीज पैसे से, और आपको भी अच्छे लगते हैं ऐसे गुरु, क्योंकि आप सोचते हैं आप पैसे वाले हैं भाई, दिल्ली वाले हैं, काफी दोनों हाथ से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग अपने नेगेटिव भी पैसा कमा लेते हैं अंडर द टेबल, तो उसका भी इंतजाम होता है, गुरु भी पाल लिया है उसका भी इंतजाम है, चलो भाई गुरु भी अपने हैं तो अपन ने अपना अगला जन्म भी ठीक कर लिया और ये जन्म भी अपना ठीक है, हमारे गुरु तो कुछ कहते नहीं, बड़े शरीफ आदमी है। जकार्ता में एक और गुरु मिले, जकार्ता के पास सिंगापुर में कुछ हिंदी लोग आए, माता जी हमको बचाओ। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कहले अब तो हमारे गुरु ने हमारी लुटिया डुबो दी। मैंने कहा क्यों, कहले वो तो जाके बैठे हैं स्विट्जरलैंड। मैंने कहा अच्छा, कहले हम स्मगलिंग करते थे, हमारा सब जकार्ता माल पकड़ा गया। मैंने कहा बड़ा अच्छा, वो आप मत करो ऐसे, कह नहीं हमारे तो गुरु ने ऐसा कहा कि करो और हमको कुछ तरीके भी बताए। मैंने कहा अच्छा, और अब वो स्विट्जरलैंड बैठे हुए। तो ऐसे गुरु जो पालना चाहते हैं उनका यहाँ स्थान नहीं है, सीधा ऐसा मैं हाथ जोड़ दूँ, चाहे मेरे पास दो ही शिष्य है मुझे हर्जा नहीं, जिसको सत्य चाहिए वो यहाँ है। पहली चीज, जिसको सत्य नहीं चाहिए और असत्य के पीछे जो भागना चाहते हैं वो मेहरबानी से तशरीफ ले जाए, लेकिन आप अगर सत्य खोज रहे हैं तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ और सब कुछ करने को तैयार, उसी की प्रतिष्ठा होती है जो सत्य पे खड़ा होता है। परमात्मा ऐसे आदमी से कभी नहीं खुश हो सकते जो आदमी ऊपर एक और पीछे एक बात करता है, ढोंगीपना और ये सब चीज़ें यहाँ चलने नहीं वाली। जो वास्तविक में अपना उद्धार चाहता है और अपना कल्याण चाहता है उसके लिए हम हाजिर हैं, उसकी हर एक सेवा करने के, क्योंकि हम आपकी माँ हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और आपकी किसी भी झूठ बात को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम लोग बुरा नहीं मानना, अत्यंत प्रेम से हम तुमसे कहेंगे, तुमको दुख नहीं देंगे, अपमान नहीं करेंगे, लेकिन जो हम बात कहेंगे उसको तुमको सुनना पड़ेगा। इस शर्त पे हम पार कराएंगे और आगे चलाएंगे और तुमको पार हो करके और दुनिया को देना पड़ेगा। जैसे कि कोई दीप जलता है तो उसको कोई पलंग के नीचे नहीं रख देता, वो बुझ जाएगा, उसको ऑक्सीजन में जलना चाहिए। इसी प्रकार जो पार हो जाता है उसको दूसरों को देना पड़ेगा। अभी जैसे अभी एक किस्सा सुना रहे थे, एक औरत आई थी, ये सुब्रमण्यम साहब लेके आए थे, मिस राव करके, उसकी शादी नहीं हुई थी तब, और उसके ब्रदर यहाँ पर DIG पुलिस थे, तो लेकर के आए मेरे पास में, तो उसके 5 मिनट में उसकी आंखें ठीक हो गई, वो अंधी हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में डाला था और 5 मिनट में वो देखने लग गई, वास्तविकता। तो ये सुब्रमण्यम ने कहा था कि मैं सिर्फ ड्राइव करके तुमको पहुँचा देता हूँ, तो ड्राइवर बन के आए थे, वो तो पार हो गए और ये लड़की भी ठीक हो गई। उसके बाद DIG साहब को भी हमने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद उनको चक्कर पड़ गया सत्य साई बाबा का। मैंने कहा भाई तुमको हीरा ढूंढना है, मोती ढूंढना है, क्या चाहिए तुमको, हीरे मोती के लिए अगर तुमको करना तो नौकरी छोड़ो और तुमको मिल जाएगी हीरा मोती, दूसरा कोई धंधा करो, डकैती करो। हाँ पुलिस वाले बहुत अच्छे डकैत हो सकते हैं, वैसे भी पुलिस में ही डकैती कर सकते हैं, क्या जरूरत है ओपनली डकैती करने की, छोड़ी छुपे कर लो वो भी अच्छा है, पर तुम इस जादू वाले के पास काहे को जा रहे, उसकी शक्ल से नजर नहीं आ रहा तुमको ये कैसा आदमी है, सुना नहीं मेरा। अभी वो बता रहे थे कि अब मर रही है, वो जवान लड़की है, 35 ईयर से ज़्यादा उसकी एज नहीं होगी, अभी वो मर रही है, उसका गला घुट रहा है, अभी चलो माँ उसको बचाने, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, तुम सबको छोड़ के उसको बचाने जाओ। हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को, यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे गुरु क्या कर रहे हैं,
अगर किसी का हो असल गुरु तो फल ही पहचान लेते हैं। जो तुम्हारी कुंडली नहीं खराब कर दे, जो तुम्हारे इस मार्ग को अवरुद्ध कर दे, वो गुरु कैसा? जिसकी वजह से तुम पारी नहीं हो सकते तो भी उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े ही रहेंगे। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।